अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले सब दोस्तों को, सब मुसलमान भाइयों को ईद की दिल के गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके अलावा दोस्तों, आज की ईद आप लोगों की कैसी गुजरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना है, इंडियन मीडिया क्या कहता है श्रीलंका मैच के खिलाफ, पाकिस्तान की जीत मुमकिन है या नहीं, पाकिस्तान किस तरह ये मैच जीत सकता है, ये मुकम्मल तफसील आज आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पे आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर न्यूज बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, तो इसके हवाले से इंडियन मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो सुनकर दिल खुश हो जाता है। यकीन माने, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाती है तो इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफें पे आ जाता है। जब वो तारीफें करता है, वो हमारा ऐसा मुल्क है जिसके मुंह से हम तारीफें सुनकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। तो इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब फॉर्म में आ चुकी है, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड को अगर हरा सकती है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम दुनिया की मजबूत तरीन टीम है, वनडे में रैंकिंग पे नंबर वन है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड को हरा सकती है तो श्रीलंका तो आजकल बिल्कुल ही कमजोर टीम है, तो आसानी से श्रीलंका से मैच जीत सकती है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडियन मीडिया का ये कहना सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका से मैच जीत सकती है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यकीन माने कि दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया है कि इंडियन भी अब पाकिस्तान की तारीफें करने लगे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप में एक जानी मानी टीम है, और वो किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकती है, चाहे वो इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आला निकेपान।